हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरह से हवा में उड़ते जा रहा हूँ। अब मैं आपको ऊपर को उठने का तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना, हैंड को ऊपर को रखना है, इस तरह से ऊपर को उठते हुए जाना है। अब आगे आने के लिए आपको फॉरवर्ड इस तरह से करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं आगे आते हुए जा रहा हूँ। अब आपको नीचे को बैठना है, तो इस तरह से आपको बैठते हुए जाना है। किस तरह से बनाना है दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपको पहले मोबाइल को पकड़ना है। मोबाइल को बैक कैमरे पर इस तरह से मोबाइल को धीरे धीरे ऊपर को ले जाना है। जितना ऊपर आप अपने आप को उड़ाना चाहते हैं, मोबाइल को ऊपर को उठाना है उसी हिसाब से। अगर आप सीधा उड़ना चाहते हैं तो सीधा ही पर ले लेंगे। इस तरह से अगर आप किसी दूसरे देश में अथवा प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो वहाँ की फ़ोटो आप डाउनलोड करके फ़ोटो भी डाल सकते हैं। फिलहाल आपके घर के आसपास कोई भी फील्ड या खुला स्पेस होता है, तो आप वहाँ पर आसानी से शूट कर सकते हैं। बस करना आपको ये कि मोबाइल के बैक कैमरे को लेकर के मोबाइल को धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे। इसी तरह से जब हमें नीचे उतरना है, तो इस तरह से आसमान से नीचे को मोबाइल को धीरे धीरे ले जाना, जैसे मैं ले जाऊँ। उसके बाद हम मोबाइल को एकदम जमीन की तरफ झुका देंगे, जहाँ पर हमें लैंड लेना है। इस तरह से मेरी परफेक्ट पोजिशन हो गई। मैं इस तरह से इसको मोड़ लेता हूँ ताकि ठीक ठाक हो जाए, और मैं ग्रीन के ऊपर बैठ गया हूँ। ये मेरी परफेक्ट पोजिशन है लैपटॉप। हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरह से हवा में उड़ते जा रहा हूँ। अब मैं आपको ऊपर को उठने का तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना, हैंड को ऊपर को रखना है, इस तरह से ऊपर को उठते हुए जाना है। अब आगे आने के लिए आपको फॉरवर्ड इस तरह से करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं आगे आते हुए जा रहा हूँ। अब आपको नीचे को बैठना है, तो इस तरह से आपको इस काम को करने के लिए मैं दो वीडियो शूट करने, एक ये ग्रीन स्क्रीन पर जो अभी मैं कर चुका हूँ, एक जो मैंने इससे पहले शूट किया था खेत में, मोबाइल को ऊपर मोबाइल उठाना की और स्क्रीन पर आते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमें काइन मास्टर ऐप यहाँ से खोल लेना है। इस पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे, प्लस वाला आइकन पर हमें यहाँ पर टच करना है। इस पर सबसे पहला वाला रेशियो यूट्यूब के लिए होता है, अगर आप लंबा वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट के लिए नंबर टू वाला होता है। क्योंकि मेरा ये वीडियो नंबर लंबा है, तो ये वन वाला रेशियो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मुझे क्रिएट पे जाके टच कर दूंगा। अब मुझे मोबाइल इस तरह से पकड़ना है लंबाई के अनुदेश, तो इसमें जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है वो इस तरह से आ गया है। हमें वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप देख पा, ये इस तरह से आ गया है। इस पर मैं फिंगर टच करता हूँ, तो ये नीचे जो है इस तरह से मेरा वीडियो का प्रीव्यू आ जाता है। अब आपको इधर आना है, मोबाइल के कट्टम कट्टे के नीचे जो है आपका बैक वाला बटन होता है, इसको आपको प्रेस करना है। अगेन आपको ये कट्टम कट्टे के नीचे जो तीर वाला निशान है, यहाँ पे आ जाना है। तो ऐसा करने से आपका वीडियो यहाँ पर आके इसका प्रीव्यू दिखने लग जाता है। एकदम लेफ्ट पे लेयर पे आना है, इसके बाहर एक चंद्रमा की जैसी आकृति आ जाती है, और ये मीडिया पे आया था। यहाँ पर मुझे मीडिया पे टच करना है, तो मीडिया को आपको टच करना है। तो अभी मैंने ग्रीन स्क्रीन में जो शूट किया था वीडियो, वो मुझे यहाँ से इस फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ से मैं अपना तो मैंने यहाँ पे चले गए। अब ये वीडियो जो है इसके नीचे आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, तो ये है। अभी इसमें कमी है, जो इसमें जो वाइट वाला पोर्शन है वो मुझे हटाना है। इसको हटाने के लिए आपको इस तरफ के जो ऑप्शन आ रहे हैं, फिंगर से आपको स्क्रॉल अप करना है इस तरीके से। जब आपको स्क्रॉल अप करेंगे, तो ये वाला आपको ऑप्शन क्रॉपिंग का मिल जाता है। फिंगर यहाँ पर रखनी है, इसके एकदम कोने में जहाँ पर 90 का एंगल है ना, इसका यहाँ पर है। इस तरह से आपको फिंगर जब पीछे को ले जाएंगे, तो उतना आपका ग्रीन हिस्सा कम हो जाएगा। इसी तरह से ये फालतू का हिस्सा जो मेरे वीडियो में है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा एक कमी और है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, जो मेरा बैठने वाला क्यूब है और उसके बीच में लाल जो शेडो बना हुआ है, जो पेंटिंग का है, उसको भी मैं क्रोमा से इरेज नहीं कर पाऊँगा। तो इससे बचने के लिए मुझे इतना हिस्सा इसका और इरेज करना पड़ेगा जहाँ पर है। इसको ऊपर को ले जाता हूँ मैं इस तरीके से, ये लगभग यहाँ पर आता है। तो मैंने इसको इस तरह से क्रॉप कर लिया। मुझे क्रोमा की में आकर के इसका ग्रीन बैकग्राउंड को इरेज करना है, ताकि इसका एक PNG वीडियो बन जाए।
आपको फिंगर से इसको स्क्रॉल अप करना है इस तरीके से। ये इस तरह से क्रोमा की लिखा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरीके से आपको इसको टच करना है फिंगर से, ये हो गया। जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे पास क्रोमा की का इंटरफेस इस तरीके से आता है। बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल फोन में ये डिसेबल होता है एकदम, ये बटन जो है इससे हमें इनेबल कर लेना है। जब हम करते हैं तो अब मेरा इस तरह से आ गया है। अभी भी इसमें थोड़ी कमी है, अगर मैं देख दिखा पा रहा हूँ तो आपको, कि इसमें ग्रीन कलर को इसने पूरी तरह से इरेज नहीं किया। उसके लिए हमें रेशियो यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिंगर को जब मैं आगे पीछे करता हूँ तो ये थोड़ा बहुत आपका यहाँ से हो जाता है ये, और इसके बाद ये। हालांकि इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, इसी तरह से आपको फिंगर से करना है। अब इसकी मुझे इंटेंसिटी थोड़ी कम करनी है, क्योंकि अगर मैं इसको चला के देखता हूँ तो यहाँ पर अब भी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसकी चमक को बढ़ाने के लिए इसके नीचे ग्राफ जैसा आपको साइन मिलेगा, यहाँ पर एक तो हरा बिंदा है, हरा बिंदे के जस्ट बगल में आपको टच कर देना है इस तरह से। जब इस ग्राफ को आप आगे पीछे दबाओगे तो इस तरह से इसका जो आपके चेहरे की चमक को ये ले आएगा इस तरह से। अब ठीक हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब ये दोबारा मोबाइल के एकदम नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर तीर वाले निशान पर टच करना है। अगेन टच कर देता हूँ, अगेन टच कर देता हूँ तो ये इस तरह से मेरा स्लाइड बन जाता है। और हम इसको इसको आगे पीछे रहे इसी तरह से, आपको इसको एक बैलेंस सा मेंटेन करना है। जैसे भी आपने कपड़े पहने, अगर इसमें आप लाल कपड़े पहनेंगे, चटक कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा ठीक है। मेरा जो शर्ट जो है वाइट है और बैकग्राउंड में वाइट है, तो इसमें कलर को थोड़ा मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगी। इसको वैसे मैं बैक चले जाता हूँ। इस पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ग्रीन कपड़े तो आपको पहनने ही नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपका ग्रीन होगा तो वो चीज़ आपका धड़ अलग सिर अलग हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हरे कपड़े नहीं पहनने हैं। पैक कर लिया है, अब हम इसके स्टार्ट में आ जाते हैं। और ये अब हो गया है, थोड़ा नीचे 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 ऐसे बैठा देता हूँ। लगभग ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपको ये बटन से इसको, इसमें कोई कमी नहीं है, थोड़ी ऑडियो में है तो पुरानी आवाज़ आप यहाँ से करेंगे। इसको एक्सपर्ट करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर तीर का निशान है इस पर आपको प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने पर यहाँ पे आ जाएगा, आपको सेव एज वीडियो पे जाकर आपको टच करना है। तो ये आपके थोड़ा सा एक्सपर्ट होने में समय लेगा, अकॉर्डिंग टू वीडियो लेंथ। ये आपके फ़ोन की गैलरी में इस तरह से सेव हो जाता है, आया है ये हमारी गैलरी पे इस तरह से सेव हो जाएगा। हम इसको यहाँ से चला लेते हैं। हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरह से हवा में उड़ते जा रहा हूँ। अब मैं आपको ऊपर को उठने का तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना, हैंड को ऊपर को रखना है, इस तरह से ऊपर को उठते हुए जाना है। अब आगे आने के लिए आपको फॉरवर्ड इस तरह से करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैं आगे आते हुए जा रहा हूँ। अब आपको नीचे को बैठना है तो इस तरह से आपको बैठते हुए जाना है। किस तरह से बनाना है दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपको पहले मोबाइल को पकड़ना है, मोबाइल को बैक कैमरे पर इस तरह से मोबाइल को धीरे धीरे ऊपर को ले जाना है। जितना ऊपर आप अपने आप को उड़ाना चाहते हैं, मोबाइल को ऊपर को उठाना है उसी हिसाब से। अगर आप सीधा उड़ना चाहते हैं तो सीधाई पर ले लेंगे इस तरह से। अगर आप किसी दूसरे देश में अथवा प्रदेश में जाना चाहते हैं तो वहाँ की फ़ोटो आप डाउनलोड करके फ़ोटो भी डाल सकते हैं। फिलहाल आपके घर के आसपास कोई भी फील्ड या खुला स्पेस होता है तो आप वहाँ पर आसानी से शूट कर सकते हैं। बस करना आपको ये कि मोबाइल के बैक कैमरे को लेकर के ज़मीन का फोटो ले लेंगे, ज़मीन से मोबाइल को धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे। इसी तरह से जब हमें नीचे उतरना है तो इस तरह से आसमान से नीचे को मोबाइल को धीरे धीरे ले जाना है, जैसे मैं ले जाऊँ। उसके बाद हम मोबाइल को एकदम एकदम ज़मीन की तरफ झुका देंगे, जहाँ पर हमें लंच लेना है। इस तरह से मेरी परफेक्ट पोजिशन हो गई, मैं इस तरह से इसको मोड़ लेता हूँ ताकि ठीक ठाक हो जाए। और ये मैं ग्रीन के ऊपर बैठ गया हूँ, ये मेरी परफेक्ट पोजीशन है लैपटॉप। हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरह से हवा में उड़ते जा रहा हूँ। अब मैं आपको ऊपर को उठने का तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना, हैंड को ऊपर को रखना है, इस तरह से ऊपर को उठते हुए जाना है। अब आगे आने के लिए आपको फॉरवर्ड इस तरह से करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये मैं आगे आते हुए जा रहा हूँ। अब आपको नीचे को बैठना है, तो इस तरह से आपको तो इस बैठते तरह हुए से इस काम को करने के लिए मैं दो वीडियो शूट करने, एक ये ग्रीन स्क्रीन पर जो अभी मैं कर चुका हूँ, एक जो मैंने इससे पहले शूट किया था खेत में, मोबाइल को ऊपर उठाना और फिर नीचे रख देना। अब मोबाइल के काइन ऐप मास्टर पर आ जाना है और अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। इसके पहले हमें प्लस वाला आइकन पे आना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं हम इस तरीके से। तो हमारे जो भी इस पर स्टोर्ड फाइलें हैं इस तरह से खुल जाती हैं। काइन मास्टर मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो पहले मुझे यहाँ से इसको ले लेना है। ये इस तरह से मेरा आ गया है। अब इस पर मुझे जो मैंने आपको ये आ गया, यहाँ पर ये रील ऐसे चलने लग गई और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर ये सर्किल वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके यहाँ पर लेयर पर आना है। इस तरीके से लेयर पर आपको टच करेंगे तो सबसे ऊपर आपका मीडिया वाला ऑप्शन आएगा। इस तरह से मीडिया पे आए, अगेन आप इस पे आ गए। मैंने काइन मास्टर पे ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ से मुझे ये फाइल चूज कर लेनी है। ये मैंने फाइल चूज कर ली, तो ये क्या है, इसके नीचे आ गया है लेयर पे। इस तरीके से ये इसमें फिट हो गया। अब मैंने क्या करना, अपना फालतू का हिस्सा पहले इरेज कर लेना है। फालतू का हिस्सा इरेज करने के लिए क्या है, यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको इसको फिंगर से स्क्रॉल अप करना है इस तरीके से। ये इस पर आपको क्रॉपिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, फिंगर टच करना है ये। जब आप क्रॉपिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर से आपको ये, या तो आप यहाँ से सेव ले सकते हैं या यहाँ से, यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, ताकि फालतू हिस्सा मैं यहाँ से वाइट वाला हटा देता हूँ और यहीं से अपना ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊँ तो मेरे में क्या है, इस तरह से लाल आ रहा है, तो इस पर भी क्रोमा नहीं चल पाएगा, तो इसको भी मैं ऊपर को ले लेता हूँ, ताकि अब ये परफेक्ट हो गया एकदम ग्रीन को, ये आसानी से इरेज कर लेगा। ये हो गया है, पहली बार में आपसे इतना परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जाएगी। अब इसके बाद क्रॉपिंग को हम यहाँ पर ले आते हैं और अब इसको बैक में चले गए इस तरीके से। अब हम इसको चला के देखते हैं इस तरह से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर उठ रहा है, अभी इसमें क्या ग्रीन कलर मुझे इरेज करना है। इरेज करने के लिए क्या, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर नीचे नीचे इस तरह से आना है, सॉरी इस रील पे आपको टच करना है। तो यहाँ से आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, लेयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे काइन मास्टर पर। लेयर पर आगे, लेयर पे आने के बाद इस पे हम चला लेते हैं। ये पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें होंगी तो उतनी क्लियरिटी इसमें नहीं हो पाती, एक्सपेक्ट रेशियो। मैंने पहले वाले इसका जो है ये हटा दिया है। यहाँ से आपको डस्टबिन वाला साइन है, इसको आपको प्रेस कर देना है, ये हट गया है। अब इसमें ई की आवाज़ रहेगी। अब यहाँ पर दोबारा जाता हूँ मैं अपनी फोटो बीट, यहाँ पर आपको क्रोमा वाला ऑप्शन दिखेगा, ये जैसा कि आप देख पा रहे क्रोमा की इसमें यहाँ पर है, क्रोमा की पर आपको टच कर देना है, ये ग्रीन कलर का है। इसके बाद आपको यहाँ से क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसका इरेज हुआ है, बाकी इसका हमें ये जो रेशियो वाला साइन है यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है। हम इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा करके इसको सेट करते हैं, बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे पहले बैठा देता हूँ। अब मैं इसको आपके सामने चलाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चलता है। ये और इसके बीच में होना चाहिए, तो इसको उठाने के लिए मैं अपने आप को यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसको दोबारा यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से अब मैं उठते हुए जाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तैयार हो गया। इसको आपको एक्सपोर्ट करना, सेव एज वीडियो कर देंगे, ये अब मेरा पूरा परफेक्ट बन गया। अब हम इसको यहाँ से गैलरी पर देख लेते हैं, इसमें सबसे रन करके दिखाता हूँ। आइए, ये मेरी परफेक्ट पोजीशन हो गई।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब